विंडोज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पिछले सीरीज में, पिछले अध्याय में हमने आपसे पूछा था विंडोज 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स होता है। तो कई बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। तो इसका जो सही जवाब था वो है राइट, यानी आप देख सकते हैं विंडो में स्टार्ट बटन के राइट साइड में सर्च बॉक्स होता है। चलिए आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? स्क्रॉल बार, डाउन साइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मैक्सिमाइज। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, रिसाइकिल बिन कहाँ पाया जाता है? तो रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पे, टास्क बार पे, स्टेटस बार पे, नोटिफिकेशन एरिया पे। अगर आपको सारे प्रश्नों के आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करते जाएं, बताते जाएं। तो रिसाइकिल बिन कहाँ पाया जाता है? तो रिसाइकिल बिन पाया जाता है डेस्कटॉप पे। हम आपको बताते हैं कि अगर किसी फाइल को आप अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। हाँ, अगर आप फाइल को शिफ्ट की के साथ अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विंडो 98, विंडो 10 या विंडो 11 क्या है? डोमेन नाम, प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम आपको बता दें इसमें विंडो का जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो 11, जो 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ सेव होती है? अगर आप किसी फाइल को अगर हार्ड डिस्क से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है? रिसाइकिल बिन, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड या फ्लॉपी? तो इसका सही जवाब है रिसाइकिल बिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विंडो डेस्कटॉप पर डॉट डॉट द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट को दर्शाए जाते हैं। तो इसका पहला आंसर है ग्राफ या फाइल, आइकन या फोल्डर। तो इसका जो सही जवाब है आइकन। विंडो में एप्लीकेशन को, फाइल को छोटे छोटे आइकन के रूप में दर्शाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि जो आइकन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकन, फोल्डर आइकन और शॉर्टकट आइकन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, यानी जो बैकग्राउंड जो पीछे होता है, जहां हमारा वॉलपेपर शो होता है, उसको डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही जवाब होगा GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो जो 10 होता है इसका फुल फॉर्म होता है GUI का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस। यानी कंप्यूटर में 2 तरह के इंटरफेस प्रयोग होते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। तो विंडो एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ, अगर कभी ये प्रश्न पूछ दे कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा जेरॉक्स। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, मैनेज डिवाइस, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है रूट डायरेक्टरी, यानी जो फोल्डर होगा, जो फर्स्ट फोल्डर होगा उसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? अल्टर ए, कंट्रोल ए, विंडो आर और नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है विंडो आर। रन बॉक्स खोलने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है विंडो आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो एस, कंट्रोल आर, विंडो आर, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है विंडो एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पाथ का, प्रॉपर्टीज का, कंप्रेस का, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट डिल, अल्टर डिलीट, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब है शिफ्ट के साथ डिलीट। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को शिफ्ट बटन के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो फाइल रिसाइकिल बिन में बिना गए डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या मेटा। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट है आपका, स्टार्ट बटन किस बार में होता है? टास्क बार, टाइटल बार, टूल बार, डेस्कटॉप। तो इसका जो सही जवाब है स्टार्ट बटन जो है टास्क बार के ऊपर होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर को रिनेम करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और सही बच्चों, अगर इस प्रश्नोत्तर सीरीज को देखें, अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आपको आ रहे थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।